हेलो हाय गुड आफ्टरनून, मैं हूँ सत्यम कीर्ति और आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप यूट्यूब से वीडियो बनाते हैं या फिर प्रेजेंटेशन बनाते हैं अपने पीसी या लैपटॉप के थ्रू, तो आपको अच्छे साउंड क्वालिटी के लिए कौन सा माइक यूज़ करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास अभी दो माइक अवेलेबल्स हैं। एक है जो सस्ते क्वालिटी का, मेरे पास आहूजा का है, और दूसरा है मेरे पास बोया का। मैं बोया का अनबॉक्सिंग करके भी आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बता दूँ आहूजा के बारे में। ये है मेरा आहूजा का माइक। ये एक्चुअली में मोनो माइक है, इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, दोनों ही यही सेम चीज़ है। इसमें भी 3.5 mm का जैक है जो कि आप अपने मोबाइल में भी लगा सकते हैं, सिस्टम में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिक्कत इसका ये है ना कि इसका साउंड जो आता है वो एक ही ईयरफोन में आपको सुनाई देगा, जो कि बढ़िया नहीं है। आज के डेट में आपको ओमनी साउंड चाहिए जो कि दोनों तरफ आपको सुनाई दे। और ये है आपका माइक जो आप कॉलर में ऐसे नॉर्मली फिट करके आप इसको यूज़ करेंगे, दैट्स इट। इसमें यही बहुत सिंपल है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ये बढ़िया नहीं रहा। इसका जो कीमत है मार्केट में, मैंने तो इसको 400 में ख़रीदा था, हो सकता है आपको 500 के लमसम में मिले। सेकेंड माइक जो है मेरे पास अवेलेबल वो है बोया का। अब देखिए बोया का एक्चुअली में ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है जो कि अच्छा क्वालिटी का है, और आज के डेट में अगर आप पीसी से रिकॉर्डिंग करते हैं, DSLR कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं, कैमकॉर्डर से करते हैं, या फिर अपने मोबाइल स्मार्टफोन से करते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट है ये, चूँकि इसका साउंड भी बहुत अच्छा आता है और इसका जो क्वालिटी है ये नॉइज़ को बहुत अच्छा रिड्यूस करके देता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं अब इसके बारे में क्या क्या खासियत अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में, ये है आपका ओमनी डायरेक्शनल माइक है। आपको दोनों डायरेक्शन में माइक का आवाज़ सुनाई देगा। मैंने इसको ओपन किया, इसमें मुझे ये कुछ दिखाई दिए जो कि मैनुअल्स हैं, ये आप देख लीजिए। और ये एक प्यारा सा लेदर का छोटा सा बैग है, इसी के अंदर में वो सारा कुछ अवेलेबल है। देखते हैं क्या क्या है। बस तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बता दूं हर एक चीज़ के बारे में कि कौन क्या है नहीं है। ये जो वायर है आपको मैं बता दूं, ये वायर है 6 मीटर लंबा, बहुत ही अच्छा है। आप DSLR से रिकॉर्डिंग करते हैं, आराम से 6 मीटर का आप स्पेस को कवर अप कर सकते हैं। इसका जो जैक है वो है 3 mm का। 3 mm का जैक में सबसे बड़ा खासियत यही है कि इजीली किसी भी स्मार्टफोन में लग जाएगा, आपके लैपी में लग जाएगा, आपके पीसी में लग जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है इसके मामले में। और ये रहा माइक जो कि छोटा से छोटा साउंड को भी आपको कवर अप करता है, लेकिन इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि कोई भी बाहरी नॉइज़ को बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देता है, यानी आपका बाहर का नॉइज़ कम सुनाई देता है इसमें, जो कि यही इसका सबसे प्लस पॉइंट और खासियत है। अब मैं बात करूं इसका, तो एक्चुअली में ये एक टाइप से इसका पावर बैंक है। इसमें एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा बैटरी है कितने छोटा सा, एक्चुअली में घड़ी टाइप का बैटरी है, आप लगा सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानने लायक वो ये है कि अगर आप कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसका एक स्विच है, आपको ऊपर करना होगा ऐसे, तो आप कैमरे का रिकॉर्डिंग में जैक लगाइए और कैमरे का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्मार्टफोन से करते हैं तो इसके जो स्विच है इसको आप नीचे कर दीजिए, आप स्मार्टफोन से कर दीजिए, ठीक है। और अगर ऑफ करके भी रखना है तो भी आपको नीचे ही करना होगा। आपको याद रहे अगर आप कैमरा पे कर दिए तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो गया और बैटरी इसका डिस्चार्ज हो जाएगा, तो जब आपका यूज़ हो गया, ख़त्म हो गया काम आपका, तो आप इसको नीचे ही करके रखेंगे, भले आपको रिकॉर्डिंग करना हो चाहे ना करना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर बैंक जिसमें स्विचेस दिए हुए हैं और एक छोटी सी बैटरी लगी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, यही वाला इसमें लगा हुआ है। एक टाइम आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको न्यू बैटरी लेकर लगाना पड़ेगा, ये किसी भी घड़ी के दुकान में मिल जाएगा। ये रहा इसका कॉलर के में फंसाने वाला क्लिप। अब मैं बताता हूँ इसको लगाना कैसे है। तो आपको इसके पे ले आकर यहाँ पर इस ये माइक पर यहाँ पे एक ना स्पेस दिया हुआ है, ये छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर ले आकर आप इसको ज़ोर से प्रेस करना। आपको देखिए मैंने प्रेस कर दिया और ये लग गया। अब आप इसको आराम से अपने कॉलर के पास लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये रहा इसका स्पंज जो कि बाहरी नॉइजेस को कम करता है, आप इसको ऐसे सेटिंग इसका कर लेंगे
ये देखिए आपका माइक तैयार हो गया जो कि चारों तरफ से सुनाई देता ओमनी डायरेक्शनल है। और ये हो गया आपका, अगर आप कोई ऐसा आपका जगह है जैसे कि अगर मैं एम्पलीफायर वगैरह से बात करूं या उस जगह पे जहाँ पे जैक काफ़ी बड़ा है या मोटा साइज का है, किसी किसी कैमरे में होता है ऐसा, तो आप ये वाला चीज़ को लगाकर और इसके थ्रू इसमें इंसर्ट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है हमारे बोया माइक का खासियत। और मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई खास चीज़ इसमें है नहीं। रेस्ट ऑफ द चीज़ें आपके कंटेंट के ऊपर मायने करता है अगर आप यूट्यूब का वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता है मैंने आपको पूरा जानकारी दे दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे ख्याल से आपकी ये थोड़ा बहुत ही सही बट किसी काम का तो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।